हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के माह जनवरी 2022 की रैंकिंग में गोरखपुर को पूरे यूपी में प्रथम स्थान मिला है। यह उपलब्धि गर्भवती की प्रसवपूर्व चार जांचों और एचआईवी की जांच और गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल में 100 स्कोर हासिल करने के कारण मिली है, जिसमें जिले को 0.7 का कंपोजिट स्कोर मिला है। जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जिले के कैंपियरगंज खजनी चौरी चौरा ब्लॉक को इस उपलब्धि में अहम योगदान रहा है और तीनों ब्लॉक टॉप परफॉर्मिंग ब्लॉक हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश द्वारा समय समय पर कार्यक्रम की समीक्षा और मार्गदर्शन के कारण यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसके लिए जिले के सभी स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कोविड प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रदर्शन किया है। यह रैंकिंग 20 दिसंबर से 21 जनवरी तक के डाटा पर आधारित है। उन्होंने बताया कि गर्भवती पंजीकरण, गृह आधारित नवजात देखभाल, गर्भवती जांच, टीवी नोटिफिकेशन समेत 15 संकेतों को अच्छा कार्य करने के लिए यह रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग में स्टल बर्थ रेशियो, पेंटावायलेट बीसीजी रेशियो, हीमोग्लोबिन जांच, आशा भुगतान, परिवार नियोजन जैसे घटक भी शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड गोरखपुर में प्रथम स्थान पाया क्या है? देखिए, हेल्थ डैशबोर्ड जो होती है एक माह में जो कार्य किया जाता है 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक जो एक काम किया जाता है उस काम की समीक्षा जो है शासन स्तर पर की जाती है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें पहला पैरामीटर ये होता है कि गर्भवती माताओं की चार जो ANC जांच होती है उसका होता, उनकी HIV की जांच होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को दिए गए उपचार की बात होती है, जो संस्थागत प्रसव होते हैं उनके आधार पर होती है, FRU की मॉनिटरिंग होती है, जो हमारे सिजेरियन सेक्शंस होते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, बच्चों के वैक्सीनेशन पर मॉनिटरिंग होती है, आशाओं के भुगतान की मॉनिटरिंग होती है, और इसके बाद जो है TV की नोटिफिकेशन पर मॉनिटरिंग होती है। इस तरह से 12 मानक होते हैं जिनके मानक के आधार पर जनपद की रैंकिंग की जाती है और हमारे चिकित्सा अधिकारियों, हमारे आशाओं, हमारी ANM तथा हमारे अन्य अधिकारियों की मेहनत से और जिलाधिकारी के गुणवत्तापूर्ण निर्देशन, सकारात्मक निर्देशन का परिणाम था। जिलाधिकारी महोदय हर चीज़ की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं, हमारे चाहे आशा से लेकर के शीर्ष स्तर के अधिकारियों से व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हैं। अगर किसी की कोई समस्या होती है वो चाहे जिस तरह की हो उसका तत्काल निराकरण करते हैं। उसी की वजह से एक सकारात्मक माहौल बना जनपद में और उस सकारात्मक माहौल से जो है हम लोगों को ये सफलता प्राप्त है। सर, किन ब्लॉकों में उपलब्धि योगदान रहे? सभी का योगदान था, लेकिन खास करके खजनी और एक दो कैंपियरगंज और चौरी चौरा का विशेष योगदान था, तो ये लोगों ने अच्छा काम किया था। लेकिन सभी लोगों ने लगभग कमोबेश अच्छा है, लेकिन चौरी चौरा, कैंपियरगंज और खजनी को रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। सर, रैंकिंग का संकेत क्या होता है? रैंकिंग जो ये लोग 100 नंबर में मार्किंग करते हैं, उस नंबर में 75 जिलों को रैंक देते हैं, तो उसी के आधार पर ये करते हैं। उनके अलग अलग बड़े स्ट्रिंजेंट मानक होते हैं। ये UPTSU जो है टेक्निकल जो यूनिट जो हम लोगों को सपोर्ट करती है, टेक्निकल सपोर्ट, वो अपनी मॉनिटरिंग करती है, इस आधार पर वो सब लोगों को सम्मानित करती है और जिससे आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है।